आओ दोस्तों, तुहानू अज सैर कराने गुरदासपुर जिले के पाकिस्तान लगते पिंड डेरा बाबा नानक दी सड़कां दे ते नाल ही तुहानू विखावांगे। मीह आया है पंजाब च पिछले दिनी लगभग 35 घंटे मीह लगातार आया ही, तो उन्हें सारिया पैलियां सड़कों का लैवल पिंडां विच 70% पिंड जिहड़े कवर किए मीह ने अपनी लपेट लिया है, तो पैलियां विच पानी आ गया वा जिहड़ा खेत ही झोने के खेत उन्हां विच जां होर भी कोई खेत ही, तो तुहानूं आओ सैर कराने गुरदासपुर के सड़कों के डेरा बाबा नानक पाकिस्तान के ना लगते पिंड। दोस्तों, इस रोड के खब्बे हथ लगभग 1 या 2 किलोमीटर से जरा धुसी बन जिन्हों कहने बॉर्डर है पाकिस्तान का, और सामने जोड़े प्लांट्स वेख रहे जी लगभग उत जी, उत्तों अगले बन्ने रावी दरिया वा फिर पाकिस्तान शुरू हो जाता, तो इतों ही मिलटरी का एक छाउनी है जिते लगा वा लाया गया वा, दूरबीन लाई गई है करतारपुर साहब के दर्शन करने वास्ते, तो पानी भी अजक पैलियों में बहुत ज़्यादा वा क्योंकि लगभग 40 घंटे जरा वा मीह पूरे पंजाब लगातार आया, तो वो करके हाई अलर्ट तो पंजाब आ, अज स्कूल लगे ही हूँ पता लगा वा, हने हने पता लगा वा स्कूलों आ गए अं 24/9/18 तो भी कल जी छुट्टी हो गई है क्योंकि हाई अलर्ट तो पंजाब आ, लगभग पिंड डुबे आ, वो भी तुहानू अगले हिस्से वीडियो से सीन विखाने भी किदा सड़क डुबिया वा घूम घूम के अं स्कूल पहुँच रहे हैं, तो आ जरा पिंड है बिल्कुल पाकिस्तान आ जरा सामने पिंड आ रहा, ये रस्ता आ रहा बोर्ड लागू, ये रस्ते तो 1 किलोमीटर करतारपुर साहब दर्शन किए जा सकते हैं क्योंकि इतों इतों किलोमीटर बांधे उतो 3 किलोमीटर करतारपुर साहब गुरद्वारा, यदा मतलब आ रोड तो 4 किलोमीटर के गुरद्वारा वा जिहड़ा गुरद्वारा किहड़ा करतारपुर साहब का गुरु नानक देव जी की चरण छोह प्राप्त लगभग 17 साल तो वध समा जिहड़ा गुरु नानक देव जी ने इत्थे बताया, ये वो रोड नहीं। तो अगली वीडियो के अगले हिस्से तुहानू विखावांगे भी किदा मीह आउण नाल बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका वा फसलों का, फसलां डुब चुकी हैं सारिया ही, आ कुछ एरिए उच्चे एरिए जां रेतले एरिए जिहड़े पानी नूं हुण थोड़ा जीर चुके आ, तो बाकी एरिए अजे डुबे आ। तो होर दोस्तों वेखो, जे मीह अज भी आ जाता तो फिर काम खराब ही बहुत ज़्यादा हो जाना, हड़ आने की संभावना जी बन जानी ही। आ पिंड ही अफगान पिंड जिहड़ा शहीद भाई सतवंत सिंह भाई बैन सिंह का पिंड ही है, अगवान सॉरी अफगानी अगवान तो ये भी बॉर्डर का ही रोड आ, उ डेढ़ बाबा नानक वाला रोड आ सैड से जरा मिलटरी रोड हूँ चौड़ा कर रही है, पर कुछ कारण करके जोड़ा वा रोड की जी उसारी है वह रोकी गई है, रुक चुकी है, दोवें बन्नों जिन्ना रोड सामने दिख रहा वा दोवें पासों इन्ना इन्ना लैन का प्लैन सी, पर रुखों की कटाई करके बहुत ज़्यादा नुकसान होना ही, ये पता लगा भी जोड़ा फोरैसट विभाग आ उन्हें केस किया वा कि करके रोड भी अजे रुक चुका वा। आ पानी वेखो दोस्तों कि मीह बहुत ज़्यादा आया ही 40 घंटे तो मीह तुम दस्या पहली वीडियो में भी, ये रोड हूँ डेढ़ा बाबा नानक तो कला दोनों जा रही है 15 किलोमीटर की रोड आ। आओ अगले पड़ाव वेखिए मीह ने और की फड़ लिया ने पंजाब, वेखो कि पानी कट्ठा होया वा। दोस्तों, ये मैं बना रहा वीडियो लगभग 2:30-3 बजे, तो मीह सवेर का बंद होया 4 बजे का बंद होया वा, वेखो कि जमीन ने किन्ना जेर लिया वा, आ सड़कों की उत्तों की मीह जा रहा है पानी जा रहा है इन्ना ज़्यादा सी। चलो मिलते हैं अगले वीडियो अगले पड़ाव। हाँ वेखो दोस्तों, रोड ये रोड जी हटे स्कूल में जाती सवेरे अं ये रोड के दूसरी साइड ही फिर वापस आ रहे स्कूल से हट गए, ये रोड तो नहीं जाया नहीं गया, आ सिर्फ वीडियो बनाने की खातर मैं इतने आया छुट्टी दौरान।
ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੋਨਾ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ 25 ਤਰੀਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਅਮੁੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪਹਾੜ ਵੇਖੋ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 40 ਘੰਟੇ ਦੇ ਮੀਂਹ ਬਾਅਦ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਰਟੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਪਹਾੜ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਪਹਾੜੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਆ ਧਾਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕੋਟ ਸੰਤੋਖ ਰਾਏ ਪਿੰਡ ਗਾਂਹ ਇਹਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ ਆਲੋਵਾਲ ਨੂੰ ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਭਖਾਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦੋਸਤੋ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।